हेलो। आज हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे सीपीपी का, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। इन सीपीपी क्या होता है, हमें वो बेसिक कंसेप्ट देखना है। उसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो आते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन विद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये भी उसमें पॉइंट आता है। हम बेसिक पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम पहले कि क्लास क्या होता है। तो क्लास देखेंगे। क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच कंटेन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब उसमें क्या होता है, मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर फंक्शन सच एज आप बोल सकते हो कि क्या क्या हमें काम करना है। जैसे फंक्शन हम लेते हैं कि रीड, एडिशन वगैरह वगैरह, ये फंक्शन उसमें होंगे एंड उसके साथ कुछ मेंबर होंगे। मेंबर मीन्स वेरिएबल्स होते हैं, वो भी सिंपल वेरिएबल होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट, पाई है या फिर कैरेक्टर नेम है, ऐसे मेंबर हो गए, वो एज ए वेरिएबल हो गए। और जो फंक्शन है उसे मेंबर फंक्शन कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड, द वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ क्लास आज कॉल्ड एज डेटा मेंबर, मैंने जो बताया अभी। एंड से थर्ड, द फंक्शन डिक्लेयर विद इन अ क्लास आर मेंबर फंक्शन। ओके, वंस द क्लास इज क्रिएटेड वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है, हमें क्लास क्रिएट करना पड़ता है। आप बोल सकते हो कि इज अ कंटेनर, क्लास इज अ कंटेनर फॉर मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, हम प्रोग्रामिंग में और डीप देखेंगे और जाएंगे हम हमारे ऑब्जेक्ट की ओर। ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वेरिएबल हुज डेटा इन क्लास। ओके, द मे मीन्स उसमें कैसे होता है, जो क्लास हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। एक नहीं, हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम कोई एडमिशन प्रोसीजर करते हैं, तो जो एडमिशन फॉर्म दिया जाता है वो हो गया एक क्लास, लेकिन उस फॉर्म पे जो प्रिंट होता है, जो नंबर, उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक डीप जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो और डीप हमें हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट देख लिया। आगे जाएंगे हम डेटा एनकैप्सुलेशन। जैसे हमारा कैप्सूल होता है वो कंटेंट को कवर अप करता है, तो रैपिंग करता है, सेम डेटा एनकैप्सुलेशन में भी होता है। द मेथड ऑफ कंबाइनिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन टू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। ओके, इसमें क्या होता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। वो कैसे की जाती है, प्रोग्रामेटिकली हम प्रोग्राम में देखेंगे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग, ये दोनों डेटा एनकैप्सुलेशन में किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा हाइड किया जाता है, मीन्स अनवांटेड। सपोज हमें क्या करना है कि एडमिन का लॉगिन करना है, लेकिन सपोज वो जो जो लिंक है हमने यूजर को दी ही नहीं, तो वो किस पे क्लिक करेगा और लॉगिन कैसे करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हम हाइड कर सकते हैं, सच एज सपोज मैनेजर लेवल के लिए जो इन्फॉर्मेशन ओपन होती है वो एम्प्लॉय लेवल के लिए नहीं होती, तो ये जो हाइडिंग होती है वो से भी हम डेटा एनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं। आगे जाएंगे फोर्थ पॉइंट की ओर, इनहेरिटेंस। जैसे हमारा प्रॉपर्टी होता है, जैसे ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी फादर को आता है बाय डिफॉल्ट, एंड फादर का प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड को आता है, तो वैसे इनहेरिटेंस में भी सेम कंसेप्ट है। जो पहले क्लास की, पहले तो इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। एक क्लास है तो दूसरा क्लास उससे बनाया जाता है, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे पेरेंट है तो उसके चाइल्ड बन जाता है, वैसे इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास। इन सिंपल वर्ड, किसी पहले क्लास की सारी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट उसके चाइल्ड को आ जाती है। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल लेवल है, मल्टी लेवल है, मल्टीपल है, हायरार्किकल है एंड हाइब्रिड है। ये भी हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि एक्चुअली ये चलता कैसे है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड, पॉली का मतलब होता है मिनी एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। मीन्स आप बोल सकते हो कि सपोज एक फंक्शन आपने यूज कर रहे हो एरिया का, तो उसके मल्टीपल फॉर्म कैसे क्रिएट करने हैं। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग से एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारा हम कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डायनेमिक या लेट बाइंडिंग वगैरह जो होता है, वो कंसेप्ट हम पॉलीमॉर्फिज्म में देखने वाले। तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, बहुत सारे बाकी भी कंसेप्ट है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे वो हम सीखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।